नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। वीर तेजाजी बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोरा ने प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एवं भूपेंद्र सिंह को दी बधाई। सर, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, आज मोहन यादव जी ने भी शपथ ली है। मोहन यादव जी ने जो आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर प्रदेश को चलाएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कार्य चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देवड़ा जी जो साहब के समय वित्त मंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो सारी सूझबूझ देवड़ा जी को है। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उससे पहले गृह जेल मंत्री रहे हैं, काफ़ी अनुभव है। आप भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, साथ ही में शुक्ल जी भी हैं, तो और जो स्पीकर हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके मार्गदर्शन में काम चलेगा और ये बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। जो शिवराज जी की योजनाएं चल रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज शपथ ग्रहण के समय पर मैं वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की ओर से एवं समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। दादा, नई सरकार गठन हुआ, क्या उम्मीद है सरकार से? नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन डॉक्टर मोहन जी यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। माननीय शिवराज जी की जो योजनाएं हैं, कृपया उन्हें अच्छे से संचालित करेंगे। और साथ ही हमारे 8 बार के विधायक रहे उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा साहब, जिन्हें बहुत लंबा अनुभव है प्रशासन का, वो अच्छे से पूरी योजनाओं को संचालित करेंगे। और शुक्ल जी को, राजेंद्र शुक्ल जी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हमारे बहुत अनुभवी नेता ना जो स्पीकर बनाए गए हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, ये पूर्व में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, मैं मंडल अध्यक्ष रहा तब, तो बहुत अच्छे इनके कार्य हैं और बहुत कुशलता से और अच्छे से पूरी सरकार का संचालन करेंगे। और जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है, उनको संचालित रखते हुए जो कार्य चल रहे हैं, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नाम बता दीजिए आपका। राम भरोस खेरवा, जिला मंत्री, जिला सीओ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।